रैंडी ऑर्टन ने दिखाया गोल्डबर्ग को नीचा, डेनियल ब्रायन की वापसी हुई तय और लॉर्ड सुलेवन का एक बड़ा मूव हुआ बैन, लेकिन कौन सा जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत की जाए डेनियल ब्रायन की न्यूज के साथ। तो काफी बढ़िया खबर आ रही है दोस्तों, डेनियल ब्रायन हो चुके हैं मेडिकली क्लियर। दरअसल हुआ क्या था कि डेनियल ब्रायन को नेक में इंजरी आई थी रेसलमेनिया 35 के दौरान, जिसके चलते वो बीते स्मैकडाउन के एपिसोड्स के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि पिछले हफ्ते उन्हें मेडिकल टीम ने कर दिया क्लियर और इस हफ्ते यानी कि आगे आने वाले हफ्ते के अंदर वो हमें स्मैकडाउन लाइव के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि दोस्तों ये काफी बढ़िया खबर है, क्योंकि डेनियल ब्रायन जो है वो हील भी काफी अच्छा निभाते हैं और फेस में तो दोस्तों वो लेजेंड है ही। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है दोस्तों लॉर्ड सुलेवन से। तो हाल ही के दिनों में दोस्तों आप काफी ज्यादा फेक वीडियोस देखते होंगे जो कि लॉर्ड सुलेवन के ऊपर बनी हुई है, कि लॉर्ड सुलेवन वर्सेस गोल्डबर्ग, लॉर्ड सुलेवन वर्सेस फलाना ढिमकाना, लेकिन वो सारी मनगढ़ंत खबरें हैं। बात करेंगे आज कुछ रियल खबरों की। तो गाइज लॉर्ड सुलेवन का एक बड़ा मूव हो चुका है बैन। अब ये मूव कौन सा है चलिए जान लेते हैं। तो ये मूव है दोस्तों फ्लाइंग हेडबट, जो कि दोस्तों लॉर्ड सुलेवन मार भी रहे थे, आपने देखा भी था स्मैकडाउन के अंदर। लेकिन क्यों ये मूव बैन हुआ चलिए जान लेते हैं। तो फ्लाइंग हेडबट दोस्तों एक ऐसा मूव है जिससे मारने वाले को नुकसान है ना कि खाने वाले को। इससे पहले आपने देखा था कि डेनियल ब्रायन ने भी इस मूव को मारना बंद कर दिया था, और उससे पहले दोस्तों क्रिस बेनवो, यानी कि आज से कई साल पहले जब क्रिस बेनवो नहीं मरे थे, जब उन्होंने दोस्तों मर्डर नहीं किया था, खुद को फांसी नहीं लगाई थी, तब दोस्तों वो इस मूव को मारा करते थे, लेकिन उनका मूव भी कुछ समय बाद बंद हो गया था। तो क्या होता है इस मूव में, दोस्तों होता क्या है कि जो मारता है उसे ज्यादा नुकसान होता है, उसे हेड इंजरीज आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्रिस बेनवो को दोस्तों हेड इंजरीज आई थी, जिसके चलते जो कुछ हुआ था आप सब लोग जानते हैं। वहीं डेनियल ब्रायन की बात की जाए तो डेनियल ब्रायन को दोस्तों इस मूव के चलते कई कंकशन आए थे। तो WWE ने हाल ही में लॉर्ड सुलेवन को एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने लॉर्ड सुलेवन से एक तरीके की मांग की है कि आप इस मूव का यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर कीजिए, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट इस मूव का यूज मत कीजिए। जैसे कि आप देखते हैं कि स्मैकडाउन लाइव के अंदर वो उस मूव को मार दिया करते हैं, वैसी चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो केवल PPVs के अंदर या फिर दोस्तों किसी स्पेशल ओकेजन के अंदर ही उस मूव का यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो मूव मारने वाले के लिए ही घातक है। और लॉर्ड सुलेवन दोस्तों कोई मॉन्स्टर नहीं है, अंदर से दोस्तों वो एक मनुष्य ही है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है द बिल गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग जब से आए हैं, जब से दोस्तों उनकी अनाउंसमेंट हुई है कि वो सऊदी अरेबिया आने वाले हैं, तब से उनके ऊपर कई WWE के सुपरस्टार्स धावा बोल रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि रूसेफ ने उन्हें नीचा दिखाया था ट्विटर के ऊपर, और आज रैंडी ऑर्टन ने नीचा दिखाया। तो हुआ क्या कि रैंडी ऑर्टन ने गोल्डबर्ग के खिलाफ एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में लिखा था कि WWE ने अपने 2 मिलियन रुपीस गवा दिए, 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर बर्बाद कर दिए गोल्डबर्ग के ऊपर। अब इससे क्या तात्पर्य, इस चीज से तात्पर्य यह है कि गोल्डबर्ग को साइन करने में WWE के लगभग 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर लगने वाले हैं, और ये सिर्फ एक फाइट के लिए होगा, और ये एक तरीके की पैसे की बर्बादी है। तो अगर आप इसे एक नजरिए से देखेंगे तो यहाँ रैंडी ऑर्टन की बात सच है, क्योंकि गोल्डबर्ग एक पार्ट टाइमर है, वो ऐसा तो नहीं है किसी रन के लिए आएंगे, यानी कि 1-2 महीने के लिए आएंगे, वो सिर्फ एक फाइट के लिए आएंगे और 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर घर लेकर जाएंगे। वहीं दूसरे नजरिए से देखा जाए तो रैंडी की बात गलत है, क्योंकि इसमें WWE का ही फायदा है। WWE ये इसलिए कर रहा है ताकि सऊदी अरेबिया में बैठे ऑफिशियल्स के मन को शांति मिल जाए। सऊदी अरेबिया के लोग चाहते हैं कि वो लेजेंड्स को देखे, और इसके लिए उन्होंने पहले से ही WWE को काफी बड़ा अमाउंट पे किया है, तो इसमें WWE का ही स्वार्थ है। लेकिन सभी जानते हैं कि गोल्डबर्ग भी ट्विटर के ऊपर है, तो ऐसे में रैंडी की इन कड़वी बातों का जवाब कैसे देते हैं, और क्या वाकई में इन दोनों का मैच इन फ्यूचर पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, या फिर गोल्डबर्ग के लिए कोई नया ओपोनेंट WWE ढूंढता है, सारी चीजें जाननी काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक लेट नहीं, धन्यवाद, शुभ खैर।